दो देसी घी के डब्बे ऐड हो गए हैं। देखिए जी, आप इसके अंदर दही ऐड हो रही है, आप ये चेक करें। माशाल्लाह, ये कढ़ाई के अंदर ये दही ऐड हो रही है, और अब ये दूसरा पैकेट क्रीम का ऐड हो रहा है, चेक करें जी। माशाल्लाह, ये चिकन ऐड हो रहा है, माशाल्लाह, ये चिकन ऐड हो जाएगा बीच में, एंड पर ये बटर ऐड हो रहा है, क्या बात है, माशाल्लाह। ये देखिए जी, कढ़ाई हमारी यहाँ पर आ चुकी है, उस टाइम मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी है। जिला फूड पॉइंट पर आज चिकन कढ़ाई तैयार हो रही है, और इसकी आज आपको मुकम्मल मेकिंग दिखाएंगे आज हम, और हमारे साथ रहिएगा एंड तक। ये देखिए जी, मसाला बीच में ऐड हो रहा है, ये देखें टमाटरों का ये पेस्ट होता है बीच में, सब्ज़ प्याज और बीच में मिक्स चीज़ें की होती हैं टमाटरों के पेस्ट के अंदर, ये बीच में ऐड हो रहा है, ये देखें। ये 20 किलो कढ़ाई तैयार हो रही है, और इतने वसी पैमाने पर आपने कभी आज तक नहीं वीडियो देखी होगी। आमतौर पर 2 या 3 किलो या 4 किलो कढ़ाई तैयार होती है, लेकिन ये 20 किलो कढ़ाई तैयार हो रही है, और इतने बड़े पतीले पर। तो ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा एंड तक लाजमी, और जो जो चीज़ें बीच में ऐड होंगी वो सारी चीज़ें अब हम आपको दिखाएँगे इस वीडियो में। अभी इस टाइम टमाटरों का पेस्ट ऐड हुआ है, और उसको अच्छी तरह भुना जाएगा तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। जब ये ब्राउन हो जाएगा मसाला, तो फिर उसके ऊपर चिकन वगैरह और देसी घी वगैरह ऐड होगा बीच में। इस वीडियो को एंड तक आप लाजमी देखिएगा। ये घी बीच में ऐड हो रहा है, किसान वालों का देसी घी ऐड हो रहा है बीच में, और ये अभी ये पहला घी का डब्बा ऐड हो रहा है बीच में, ये देखो। ये देखें, अब इस देसी घी को टमाटरों के पेस्ट के साथ इस तरह मिक्स किया जाए। ये देखें जी, पहले एक देसी घी का डब्बा ऐड हो चुका है, अब ये दूसरा ऐड हो गया किसान वालों का, ये देखें माशाल्लाह। 2 देसी घी के डब्बे ऐड हो गए हैं, ये टमाटरों के पेस्ट को देसी घी के साथ भुना जाएगा, और ब्राउन होने के बाद फिर इसके ऊपर चिकन ऐड होगा। देखिए जी, आप इसके अंदर दही ऐड हो रही है, आप ये चेक करें। माशाल्लाह, ये देखिए, ये कढ़ाई के अंदर ये दही ऐड हो रही है, ये अब इस दही को मिक्स किया जाएगा टमाटरों के पेस्ट के साथ, ये देखिए जी माशाल्लाह। बाहर उन्होंने मुंह तो यही बनाने सारी बात।
नहीं यार वो भी चाहिए यार, तो भी तो बाप है अगर भाई। हाँ हो देखिए जी, मसाला अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है, अब चेक कर सकते हैं। और इसके ऊपर अब चिकन ऐड होगा। पहले दो देसी घी के डब्बे और दही ऐड हो चुकी है। इसको अच्छी तरह टमाटरों के पेस्ट के साथ भुना गया है तकरीबन 10 मिनट। अब इसके ऊपर चिकन ऐड होगा। देखिए जी, अब इसके ऊपर कोरमा मसाला ऐड हो रहा है माशाल्लाह, चेक करें। कोरमा मसाला बीच में ऐड हो चुका है कढ़ाई के अंदर। जब क्रीमें ऐड हो रही हैं बीच में, ये पहला पैकेट ऐड हो रहा है। और अब ये दूसरा पैकेट क्रीम का ऐड हो रहा है, चेक करें जी माशाल्लाह। और अब ये तीसरा पैकेट क्रीम का ऐड हो रहा है। तीन पैकेट क्रीम के ऐड हो चुके हैं और दो देसी घी के और दही और कोरमा मसाला बीच में ऐड हो चुके हैं। और अब इसके ऊपर लास्ट पर चिकन ऐड होगा और उसके बाद 10 से 15 मिनट तक चिकन की भुनाई होगी और फिर ये चिकन कढ़ाई तैयार हो जाएगी। चिकन ऐड होगा बीच में। चिकन ऐड हो चुका बीच में। अभी चिकन को 10 मिनट तक ब्राउन किया जाएगा, अच्छी तरह भुना जाएगा। और जब ये 10 मिनट हो जाएंगे तो उसके बाद ये कढ़ाई तैयार हो जाएगी। देखिए अब इसके ऊपर पंजाब वालों का बटर ऐड हो रहा है माशाल्लाह, एंड पर ये बटर ऐड हो रहा है, क्या बात है माशाल्लाह। छोटा कितने का? दही नहीं चाहिए।
ये देखें जी, ये हमारी कढ़ाई इस टाइम रेडी हो चुकी है माशाल्लाह, और अब इसको बाहर लेके जाया जाएगा और फिर वो भी आपको सीन दिखाएंगे। ये चेक कर सकते, ये देखें जी कढ़ाई हमारी यहाँ पर आ चुकी है, इस टाइम मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी है और अब ये प्लेटों पर सर्व होगी और उसका सीन भी आप। लोग यार।